शुभ मंगलम, मैं आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से याचना करती हूँ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो आज पुनः 12वीं की कक्षा में हिंदी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का दूसरा अंश। आज हम लोग तीसरे अंश में प्रवेश करेंगे। पिछले अंश में हम लोगों ने देखा कि किस तरह वो अपने हृदय में दर्द को छिपाए हुए आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी में अगला अंश है, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। देखा जाए अनुभूति के द्वंद से ही वाणी का विकास होता है और अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आरंभ भी होता है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक मनोविकार ही होते हैं, मानव मन का विकार ही होता है। मनुष्य प्रवृत्तियों के द्वंद में ही आगे बढ़ता है। यहां देखा जाए, मैं और जग और कहां का नाता, वास्तव में उन्हें लगता है कि संसार से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक बात कहूं, जहां पर अपनत्व होता है उसी से शिकायत भी होती है। मनोविकार की दृष्टि से देखे तो सभ्यता या शिष्टता के आवरण में या व्यवहार में घृणा की जगह, हम जिससे घृणा करते हैं उसकी जगह हम उदासीनता को ले आते हैं। घृणा में हम कठोरता पूर्वक उस विषय से दूर हटना चाहते हैं जिससे हमें घृणा होती है, उसके समक्ष हम आना नहीं चाहते। लेकिन उदासीनता में हम यह दिखाते हैं कि संसार में जो हो रहा है कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वास्तव में मतलब होता है। ये घृणा और उदासीनता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी लाख चाहे कि संसार से उनका क्या रिश्ता है, लेकिन रिश्ता है तभी तो दर्द है। जब तक रिश्ता नहीं रहेगा तब तक दर्द भी नहीं रहेगा। और एक प्रेमी हृदय सर्वत प्रेम ही ढूंढता है। आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है, चित्त की द्रवावस्था को प्रेम कहा है उन्होंने। शांडिल्य जी को देखिए, उन्होंने कहा है योगी वियोग वृत्ति प्रेम, अर्थात योग में यानी संयोग की अवस्था में भी वियोग की सी वृत्ति होना, भय बना रहना, यही तो प्रेम है। प्रेम में भावों की उच्चता होती है, समर्पण की उच्चता होती है, समर्पण का लय हो जाता है, विलय हो जाता है। ज्ञान क्रिया और आनंद तीनों एक धरातल पर आ जाते हैं, यही सात्विक प्रेम है। मैं और जग और कहां का नाता, मैं कुछ और हूं, कोई और हूं, संसार कोई और है, कहां का नाता, कैसा संबंध। संबंध है, इस संबंध से हम कटकर नहीं रह सकते। वास्तव में स्मृति द्वारा संचित
मनोराग ही मानव को आगे बढ़ने के लिए भूमिका प्रदान करता है और इस मनोराग आनंद की भूमिका का निर्माण करने में हमारे सामने जो पुराने दृश्य आते हैं उस पुराने दृश्य को मिटाने का उद्देश्य नहीं होता। पुराने दृश्य को हम मिटाने की कोशिश जो करते हैं वो ज्यो ज्यो कोशिश करते हैं त्यों त्यों वो ताजगी प्रदान करता है। केवल और केवल अतीत से अतीत को दोहराना मात्र नहीं होता है हमारा उद्देश्य, उसके द्वारा मानस का पुनर्नियोजन पुनर्स्थापन होता है, पुनर्गठन होता है। स्मृति एक मानसिक यात्रा है। मैं और जग और याद करते हैं तो स्मृति एक मानसिक यात्रा है और इससे हमारी समृद्ध अनुभूतियां समय और सीमा के बंधनों से मुक्त होकर अतीत को प्राप्त कर लेती है। स्मृति का जीवन को ताकत देने, स्मृति में जीवन को ताकत देने की सामर्थ्य होती है। स्मृति द्वारा जीवन को जीने की शक्ति मिलती है और तभी तो जग शब्द बार बार आ रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं बना बना वैसा संसार जिसकी कल्पना कभी ने की है और जिसको उन्होंने अभी देखा है, अपनी खुली आंखों से उन्होंने देखा है। वो कहते हैं कि इस संसार को मैं तो रोज बनाता हूं, रोज मिटाता हूं। कल्पनाशीलता की अतिशयता देखिए। तभी तो मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था, कबीर मनीषी पड़िभू स्वयंभू। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, अर्थात संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें संबंधों से कोई संबंध नहीं, संबंधों से वो संबंधित नहीं होते, संबंध की परवाह नहीं करते, लेकिन कवि को संबंध की परवाह है। भावना की आकुलता व्याकुलता छटपटाहट के कारण ही ये पंक्ति निकल पड़ी है। तो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जो वैभव धन ऐश्वर्य इकट्ठा करने में लगा है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, अर्थात सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अचल चल संपत्ति ही नहीं होती। हमारे जीवन में धन ऐश्वर्य महत्वपूर्ण है लेकिन पूर्णतः नहीं। संबंध मनुष्य के शरीर की भूख, अन्न पानी इत्यादि खाद्य पदार्थ द्वारा पूरित होता है, मिट जाती है भूख, लेकिन आत्मा की भूख, हृदय की भूख का आकांक्षी कवि भाव, कवि को भाव चाहिए जो संसार में उन्हें नहीं दिख रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कोई कवि, कोई व्यक्ति इतनी निष्ठुरता पूर्वक, इतनी ईमानदारी पूर्वक अपने आप के प्रति इतने कठोरता का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, निज रोदन में आग लिए फिरता हूं। आपको पता होगा कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विरेचन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रेचक के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारी आत्मा की शुद्धता के लिए, हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भी हमारे अंदर जो उमड़ित घुमड़ित घटा है, भावों का जो घटा है, उस घटा को बाहर निकालना होगा। आप देखिए, और देखने से तो कभी पीड़ित लग रहे हैं लेकिन पीड़ा का परिणाम आनंददायक होता है। पीड़ा की प्रक्रिया भले ही आनंददायक ना दिखे लेकिन
पीड़ा का परिणाम आनंददायक होता है। जैसे आप देख रहे होंगे काली घटा आकाश में छाई होती है, घटा काली होती है लेकिन क्या होता है उसके पश्चात जब बारिश होती है तो उसकी बूंदे उज्जवल होती है। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, यहां विरोधाभास है, आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते, वास्तव में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास ही विरोधाभास है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कवि की वाणी अत्यंत संतुलित है, अत्यंत मर्यादित है, लेकिन उस मर्यादित वाणी के अंदर, उस संतुलित वाणी के अंदर क्रोध है। क्रोध क्यों होता है? जब हमारी इच्छा की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है, यह भी एक मनोविकार है। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद राजमहल को कहते हैं, बड़े बड़े राजाओं का राजमहल तो होता है लेकिन वहां भावना शुष्क होती है, और जहां भावना शुष्क होती है व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है, निराशामय हो जाता है। शरीर तो रहता है परंतु उसकी आत्मा जीवित नहीं रहती है, वो तरलता, वो उत्सुकता, वो उत्साह, वो जिजीविषा, वो तड़प नहीं रहती है। तो हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं जो सिर्फ ऐश्वर्य से, धन से, वैभव से प्रासाद को निर्मित किया, उसका प्रासाद राजमहल उसे उस पर निछावर हो, परंतु मैं तो खंडहर, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। वो कौन सा खंडहर है? कवि को जो ताकत देती है वो शक्ति, वो प्रेम की शक्ति, वो प्रिय की इच्छा की शक्ति, प्रिय की पाथे की शक्ति, प्रिय के पाथे की शक्ति, प्रिय की ऊर्जा, जो कवि को अभी भी स्मृति में ताजगी बनाए हुए रखी है। अब इसमें देखिए कला पक्ष का भी उन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से निर्वाह किया है। मैं और जग और में यमक अलंकार की छटा देखिए, मुक्त छंद में कविता है, कहां का नाता, कोई रिश्ता नहीं है, प्रश्नात्मक शैली है। मैं बना 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कितने जग रोज मिटाता प्रश्न पूछा जा रहा है, जग जिस पृथ्वी पर, जग और जिस में अनुप्रास देखिए, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, दृश्य बिंब देखिए, श्रव्य बिंब देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, रोदन में रोने में कहीं प्रेम होता है, विरोधाभास अलंकार है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में विरोधाभास अलंकार है, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, समर्पण त्याग को यहां स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। हमारे यहां प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया गया है और कभी कभी तो भावुक होता है, भावना ही उसकी उपज है। इस काव्यांश में हम कवि की एक निष्ठता देख रहे हैं, आत्मनिष्ठ शैली है और संसार के प्रति उदासीनता का भाव यहाँ द्रष्टव्य है, ऐश्वर्य के प्रति उदासीनता का भाव यहाँ द्रष्टव्य है, और अपने आप को हर हाल में दुखी होते हुए भी
दूसरे को दुखी नहीं दिखाना है, दूसरों को सुख ही बांटना है, तभी तो हमारा जीवन गतिशील होगा और हमारा जीवन तो अपूर्ण है। नदी तब तक अपूर्ण है जब तक वह समुद्र में नहीं मिल जाती। धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य देखेंगे और इस वीडियो को भी देखेंगे तभी आपको हरिवंश राय बच्चन के कथ्य से आप परिचित हो पाएंगे, उनकी भावना का आप स्वागत करेंगे। धन्यवाद।